एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया, तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा, आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है
जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने चार दशक तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिए यहां आते हैं तो न जाने क्या कारण है, कांग्रेस को अच्छा लगता है। उनमें इनको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है।